आज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। भोपाल में मोदी सरकार के 4 साल पूरे होने पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकाली। पीएम मोदी और शिवराज की युवाओं के लिए शुरू की गई जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए यह रैली निकाली। लेकिन इस रैली में युवा मोर्चा के कार्यकर्ता कानून का मजाक उड़ाते नजर आए। आम आदमी हेलमेट नहीं पहने तो फौरन उनका चालान काट दिया जाता है, लेकिन नेताओं के लिए कानून अलग हो जाता है। किसी भी एक नेता कार्यकर्ता के सिर पर हेलमेट नहीं था, और तो और रैली के दौरान पुलिसकर्मी भी वहां थे, लेकिन किसी भी की क्या मजाल के सत्ताधारी नेताओं के लिए से कोई हेलमेट के बारे में पूछ सके। हम लोगों ने जिस तरीके से हमारी सरकार ने मोदी सरकार की मुद्रा लोन योजना, स्टार्टअप योजना और युवाओं के लिए बाकी संकल्पित योजनाओं को शुरुआत किया है, उसको जन जन तक और युवाओं का ले जाने के लिए, क्योंकि मुद्रा लोन योजना में अकेले में 12 करोड़ लोन सरकार ने दिए हैं, और जिस तरीके से हमारी मध्य प्रदेश की सरकार स्मार्टफोन से लेकर लैपटॉप के द्वारा युवाओं को सशक्त बनाने का काम कर रही है, उस सभी का जनता के लिए आह्वान करने के लिए आज की रैली का आयोजन किया गया है। इसमें सभी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं और पार्टी का नेतृत्व भी शामिल हो रहा है। भोपाल से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज आज। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहे न्यूज आज के साथ।